गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, बधाने जय स्वामीनारायण। आज आपणे धोरण 9 विषय हिंदीनो अभ्यास करीशुं। गया तासमां आपणे काव्य 14 युग और मैनो अभ्यास कर्यो हतो। आज रोज आपणे पाठ 15 दाज्यू जे एक कहानी लेखन छे जेनो अभ्यास करीशुं। तेना लेखक छे शेखर जोशी। पाठ 15 दाज्यू, तेना लेखक छे शेखर जोशी। दाज्यू एक कहानी प्रकारनो पाठ छे। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा यानी कि उत्तरांचल के गोलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपने यानी कि लेखक ने केकड़ी एवं अजमेर से अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह हैं कोसी का गटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौ रंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म मका निर्माण। अहीं लेखक विषयनी माहिती प्राप्त करी। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है कि जे नानो बाळक जे होय छे अने पोते श्रम एटले के कार्य मजूरी करे छे अने तेना उपर आ कहानी एटले के वार्ता लखवामां आवी छे। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू, अपना पाठनु शीर्षक छे दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है। आपने विचार आवे के दाज्यू एटले शू, तो दाज्यू एटले के बड़ा भाई, मोटो भाई। वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। चौक से निकलकर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था के चौक माथी निकली ने डाबी बाजू जे साइन बोर्ड वालो नानो कैफे छे त्यां जगदीश बाबूए तेने पहली वार जोयो हतो। गोरा चट्टा रंग, नीली सफाक आँखे, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। आ जे मदन होय छे पहाड़ी बालक, तेनो देखाव केवो होय छे ते अहींया वर्णन करेलू छे। परीक्षामां पूछाय तो तेनो जवाब आपवो। सफाक एटले के उजळी, ધોળી, તેની આંખો સફેદ છે, તેનો રંગ ગોરો છે, વ્હાઈટ। સુનહરે બાલ એટલે કે ચળકતા બાલ, ચાલમે એક અનોખી મસ્તી અને ચાલવામાં જાણે કે એક અનોખી મસ્તી હોય। શિથિલતા નહીં, શિથિલતા યાની કે આળસ, આળસ નહીં। કમલ કે પત્તી પર ફિસલતી હુઈ પાણી કી બૂંદ કી સી ફૂર્તિ, કે જાણે કે કમલના પત્તા ઉપરથી પાણી ઝડપથી સરકી જાય છે તેવી જ તેનામાં સ્ફૂર્તિ હતી। આંખો કી ચંચલતા દેખકર ઉસકી ઉમ્ર કા અનુમાન કેવલ 9-10 વર્ષ હી લગાયા જા સકતા થા, ઓર શાયદ યહી ઉમ્ર ઉસકી રહી હોગી, કે તેની આંખોની ચંચળતા જોઈને તેનો ઉમ્રનો અંદાજ, તેની ઉંમરનો અંદાજ આશરે 9-10 વર્ષનો લગાવી શકાય અને કદાચ તે જ ઉંમરનો હતો।
अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था कि अधजली एले के अधूरी सड़गेली सिगरेट पीता पीता जगदीश बाबू जयरे कैफे में प्रवेश करो त्यारे वह एटले के जे मदन छे ते मेज एले के टेबल पर थी प्लेट डीसो उठावी रह्यो हतो। और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था अने पछी जे खूणाना टेबल पर बैठा त्यारे ते सामे हतो। मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो अने जाने के एवं लगे कि कलाकों थी ते ए स्थान पर आववाड़ी व्यक्ति की राह जोई रहो होय। वह कुछ बोला नहीं, ते कई बोलियो नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया पर था के नम्रता आदर माटे प्रदर्शन देखाव माटे नम्रता दर्शावा माटे ते थोड़ो झुक्यो अने थोड़ो हस्यो। पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था, परंतु तेना आ मौन में जाने के कैफे नू मीनू यानी कि मेनू समायेलू होय। सिंगल चाय का आर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुरा कर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। सिंगल चा एले के एक चा नो ऑर्डर आपतानी साथे ज ते पुनः हसीने चाल्यो अने झटवार मां ज चा हाजर करी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है के मनुष्य नी भावनाओं जे छे ए विचित्र होय छे। निर्जन एकांत का स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं कर करता। सुमसाम निजन एटले के सुमसाम के ज्यां कोई ज रहतु न होय अने निसंग एटले के किसी का साथ न होना कि निर्जन एटले के सुमसाम एकांत का एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता कि ज्या कोई पण नो साथ न होय छता पण त्या एम के एकलता नो अनुभव आदमी करतो नथी मनुष्य करतो नथी। लगता है इस एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है के लागे छे के आ एकांकीपन में पण बधुज जाने नजीक छे, कितना अपना है कितलू पोतानू छे। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है के जनरवमय यानी कि कोलाहल पूर्ण वातावरण के सैकड़ों नर अने नारियों एटले के मनुष्यों पुरुषों अने स्त्रीओ होवा छता पण त्या सूनापननी अनुभूति थाय छे। लगता है जो कुछ है वह पराया है के जाने के लागे छे जे पण छे ते पारको छे, कितना अपनत्व नहीं के केटलू बधु अपनत्व विहीन। पर यह अकारण ही नहीं होता, परंतु आ कारण वगर होतु नथी। इस एकांकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़े होती है कि आ एकांकीपणनी अनुभूति छे ते अपनापन पोताना पणानी एक मूल छे। विछो या विरक्ति की किसी कथा में मूल विछो या विरक्ति की किसी कथा के मूल में आ अनुभूति विछो या विरक्ति यानी कि उदासीनतानी कोई कथाना मूल यानी कि मूळमां छे। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं के जगदीश बाबू दूर देश थी आव्या छे, अकेले हैं ते एकला छे। चौक की चहल पहल कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है के
चौक जे रहे छे ते चौकना चहल पहलना अवाजमा अने कैफेना शोरगुलमा तेमने लागे छे के आ बधुज अपनत्व एटले के पोतानाथी अलग छे। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी कि कदाच थोड़ा दिवस अभ्यस्त यानी कि आदत पड़ने पर उन्हें वो वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होट के अने क्यारेक तेमने आ जे अपनापन छे ते तेमने खूबज दूर लागवा मार लागे छे अने तेमने अचानक तेमना पोताना नी याद आवे छे। अनायास यानी कि अपने आप याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, स्कूल अने कॉलेज ना छोकराओ अने तेमना शहर नी नजीकना कैफे अने होटल। चाय साहब जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगारेट जाड़ी के मदन आवे छे ने बोले छे चा साहेब, तो जगदीश बाबूए चालू जे सिगरेट होय छे तेने ओलवी उन्हें लगता इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है। और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर दिया के तेमने मदनना शब्दोंना अवाजमा लागी रह्यू छे रिक्तता एटले के खालीपणू, खालीपण जे छे तेनो अनुभव थाय छे अने तेनी शंकानुं समाधान तेओ करे छे। क्या नाम है तुम्हारा? शू नाम छे तारू? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तू क्यानो रहवा वाड़ो छे? पहाड़ का हूँ बाबू जी, पहाड़ नो छू बापू जी। पहाड़ तो सैकड़ों है के? पहाड़ तो सैकड़ों छे। आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया ने आ वक्ते तेमना प्रश्न करवाथी तेने पहाड़ अने जिल्लानो जे भेद छे ते तफावत छे ते खबर पड़ी। मुस्कुरा कर बोला, हसीने बोल्यो, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा के अल्मोड़ा साहेब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? अल्मोड़ा मां कयू गांव छे? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा अने वधारे जानवानी इच्छा थी जगदीश बाबूए पूछ्यू। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया के आ प्रश्न तेने विचार में मुकी दीधो। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था, इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। अने ते संकोच अनुभव्यो अने तेना गामनी जे आ नाम छे ते संज्ञामां थोड़ू अघरू, बोलवामां थोड़ू अघरू होवाने कारणे ते संकोच अनुभवतो ते वातने टाळीने बोल्यो, साहब अल्मोड़ाथी 15-20 मील दूर छे। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, परंतु नाम तो कई हसे ने? जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा कि जगदीश बाबू ये जबरदस्ती पूछ्यू। डोटियाल गो वह सकुचाता हुआ सा बोला कि ते संकोच अनुभवता बोल्यो डोटियाल गो। विद्यार्थी मित्रों आ बने प्रश्न आवी शके छे के मदनना गामनु नाम शू हतु अने ते कया पहाड़ी विस्तारनो हतो। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुए एकांकीपन की शाही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुरा कर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं तो लगा जैसे प्रसन्नता से कारण अभी मदन के
हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी के जगदीश बाबूए तेना चेहरा ऊपर पूती हुए एकांकीपन की शाही दूर हो गई के तेमना जे एकलवायापणु छे एकांकीपणु छे एकलतापणु छे तेनी साई के तेनी चिंता दूर थई अने तें जब उन्होंने मुस्कुरा कर मदन को बताया के ज्यारे तेमने हसीने मदन ने बताव्यू के ते पण तेना नजीकना गामनो ज रहेवावाळो छे तो जाने के मदन पोते खूबज खुश थई जाय छे अने तेनी प्रसन्नता ने कारणे तेना हाथमांथी जाने के ट्रे एटले के डीश पड़ी जसे उसके मुँह में शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके तेना मोढामांथी जाने के शब्द निकाळवा छता पण निकली शक्या नहीं। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो अने जाने के ते पोताना अतीत ने के जे पोतानु अतीत छे तेने फरी थी पाछु लौट्यो फरी होय ते रीते जोवा प्रयत्न करवा लाग्यो। विद्यार्थी मित्रों आपणो आ पाठ अहीं सुधीनो अभ्यास करीशुं। जय स्वामीनारायण।